कोविड-19 की नई लहर हर दिन संक्रमण के मामलों और मौतों का नया रिकॉर्ड बना रही है। मामले बढ़ते जा रहे हैं और पीक आता फिलहाल नहीं दिख रहा। 28 अप्रैल को देश में 3,79,000 नए मामले दर्ज किए गए। कोरोना की टेस्टिंग जितनी बढ़ रही है, नए मामले भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रहा है। 28 अप्रैल को खत्म हुए हफ्ते में भारत में हर दिन करीब 3,49,000 संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए। इस हिसाब से देश का पॉजिटिविटी रेट 20.8% रहा। इसका मतलब है कि हर 5 में से एक सैंपल पॉजिटिव आया। 15 दिन पहले हालात अलग थे, तब पॉजिटिविटी रेट 12.3% था, यानी हर 8 में से एक सैंपल पॉजिटिव था। टेस्टिंग के साथ ही इस रेट में भी इजाफा हुआ है। एक महीने में 65% टेस्टिंग बढ़ी है और अप्रैल के अंत तक हर दिन करीब 17,00,000 टेस्ट किए जाने लगे। सवाल उठता है कि आखिर पॉजिटिविटी की दर इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक किसी ऐसे इलाके में जहां टेस्ट सही संख्या में किए जा रहे हैं, वहां पॉजिटिविटी रेट 5% से कम होना चाहिए। ऐसा अगर कम से कम 2 हफ्तों तक हो तो माना जाता है कि संक्रमण पर नियंत्रण पा लिया गया है। भारत में ये दर बहुत ज्यादा है। कोरोना संक्रमण की पहली लहर में जब भारत में मामले पीक पर पहुंचे थे तो पॉजिटिविटी रेट पीक पर पहुंचने के एक महीने पहले से कम होना शुरू हो गया था। इस दूसरी लहर में ये दर कम होनी नहीं शुरू हुई है, इसलिए मुमकिन है कि पीक अभी दूर है। कई राज्यों में पॉजिटिविटी दर पूरे देश की दर से ज्यादा है। दिल्ली में ये करीब 33% है। ज्यादा आबादी वाले राज्यों में ये दर पूरे देश के मुकाबले ज्यादा है, जैसे कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, राजस्थान। दिल्ली समेत इन 5 राज्यों में करीब 37 करोड़ लोग रहते हैं, यानी देश की करीब 1/3 आबादी। महाराष्ट्र को छोड़कर इन सभी राज्यों में पिछले 14 दिनों में पॉजिटिविटी की दर बढ़ी है। महाराष्ट्र में मुमकिन है कि दूसरी लहर का पीक करीब हो। छत्तीसगढ़ में भी इस दर में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। भारत हर दिन कोरोना वायरस वैक्सीन की 20,00,000 से ज्यादा खुराक का प्रबंध कर रहा है। आवर वर्ल्ड इन डेटा नाम की वेबसाइट के मुताबिक 28 अप्रैल तक 14 करोड़ से ज्यादा टीके दिए जा चुके थे। 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में चीन और अमेरिका के बाद भारत का नंबर है, लेकिन प्रति 100 व्यक्ति भारत में केवल 10.6 लोगों को खुराक दी गई है। भारत की लगभग 8.9% आबादी को टीके की कम से कम एक खुराक मिली है, जबकि केवल 1.8% आबादी को दोनों डोज मिली है। किसी भी टीकाकरण अभियान से उम्मीद की जाती है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और आंकड़े फिलहाल बहुत कम हैं। 10 सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में गुजरात में सबसे ज्यादा 3.2% आबादी को 2 डोज मिली हैं। उत्तर प्रदेश में ये दर सिर्फ 0.9% है। इसके अलावा 4.4% लोगों को पहली डोज मिली है। इससे ये संकेत मिलते हैं कि सिर्फ टीकाकरण से इस दूसरी लहर से नहीं निपटा जा सकता। कई शोधों में ये कहा गया है कि पीक मई के मध्य तक आ सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अर्थशास्त्रियों की एक रिपोर्ट इसी ओर इशारा करती है। इस रिपोर्ट में भारत की तुलना उन देशों से की गई है जहां दूसरी लहर आ चुकी है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अक्टूबर तक देश की 15% आबादी का पूरी तरह से टीकाकरण हो जाएगा और संक्रमण काबू में आ सकता है। वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवोल्यूशन के मुताबिक महामारी अभी और विकराल रूप लेगी और मई के मध्य तक पीक पर पहुंचेगी। ये देश में संक्रमण और मौत के मौजूदा दर पर आधारित है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ एक मीटिंग में एक सदस्य ने कहा था कि मई के मध्य तक पीक आएगा और जून जुलाई तक संक्रमण कम होने लगेगा। आईआईटी दिल्ली की एक रिपोर्ट भी इसी ओर इशारा करती है। उनके मुताबिक महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मुमकिन है कि पीक आ चुका है, लेकिन इसे लेकर एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि जिस गणित के मॉड्यूल का इस्तेमाल आईआईटी ने किया है उसके नतीजे पहले गलत साबित हो चुके हैं। उदाहरण के लिए आईआईटी ने पहले अनुमान लगाया था कि पीक 15 अप्रैल को आ जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने कहा, इस मॉड्यूल में कई पैरामीटर बदल रहे हैं, इसलिए बिल्कुल सटीक अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। मिलकर अभी करें सुरक्षा हम सब की, हाथों को करें सैनिटाइज, 2 गज हो दूरी है सबसे जरूरी, पहनो मास्क जब भी बाहर जाएं,
फोन पे ही पूछे सबका हाल चाल, घर से ना निकले कोशिश करे, घर से ना निकले कोशिश करे।